आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बिजनौर के जलालाबाद निवासी डॉक्टर मसरूर अहमद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद कर रहे हैं। भारतीय दूतावास के साथ मिलकर यूक्रेन में डॉक्टर मसरूर प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जंग के बीच फंसे छात्रों को सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि कम बजट में यूक्रेन से MBBS कराने के लिए उनकी कंपनी यूरेशिया एजुकेशन लिंक कई वर्षों से भारत के छात्रों को ले जाती रही है। उन्होंने बताया कि करीब 4,500 छात्र उनकी कंपनी द्वारा भेजे गए हैं। उन्हें सुरक्षित लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। मैं भी एक महीने पहले यूक्रेन से मैंने वापसी की है। उस टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे। अभी हम आए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर मसरूर है, वहाँ पर हमारे भाई। वो कल एक फ्लाइट थी तो उनको बिठाने के लिए गए थे, तो उसी बेस में वो उसी टाइम सुबह मॉर्निंग में वॉर शुरू हो गया। जैसे ही वॉर शुरू हुआ तो वहाँ पर फंस गया। फिर वो एम्बेसी ने हमारी हेल्प की। एम्बेसी के साथ पूरा एक टच में है जो डॉक्टर मसरूर हैं, तो उन्होंने फिर इनको परमिशन दिलाई। अब इनके बॉर्डर खुल चुके हैं, तो जो बच्चे आपके रशिया बॉर्डर के जैसे खारकी, लुगान, दनेत्स्क, जितनी भी सिटी है, यहाँ के बच्चे कोशिश करेगी वेस्टर्न यूरोप के साइड में पहुँचे। जैसे इवान हो गया, आपका लिबी हो गया और टर्नोबिल, वहाँ पर आप लोग बहुत सेफ हो। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, अगर आप लोग की कोई हेल्प नहीं तो हमारे नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर लगभग सभी बच्चों के पास है, तो आप लोग हमारे पास कॉल करें या डॉक्टर मसरूर को कॉल करें, उनका नंबर, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर मसरूर का नंबर है 9540719140। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हो। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने जनता को अपने पक्ष में लुभाने के लिए जोर आजमाइश की। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ में सदर प्रत्याशी राजेंद्र मौर्य के समर्थन में भी प्रचार किया गया। राजेंद्र मौर्य के पक्ष में वोट मांगने के लिए गोरखपुर सांसद रवि किशन भी पहुंचे। सांसद रवि किशन ने संगमलाल गुप्ता के साथ रोड शो किया, साथ ही भारी संख्या में लोगों को समर्थन देने की बात भी कही। फतेहपुर जनपद के अमौली ब्लॉक के गौरीपुर में चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान जयपुर सोना को तत्वाधान में उद्यान फसलों का आयोजन किया गया, जहां किसानों के प्रशिक्षण शिविर के पांचवें दिन महिला किसानों को दाल के पैकेजिंग और उनके मार्केटिंग के संदर्भ में जानकारी दी गई। महिला कृषकों को फूल की खेती करने और उनमें लाभ कमाने के गुण भी सिखाए गए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से गरीबों को सौगात मिली है। वहीं इस योजना के तहत बेहतर क्वालिटी की दवाइयां कम रेट पर आम नागरिकों को उपलब्ध हो रही हैं। इस योजना के तहत केंद्रीय फार्म सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की मदद के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा किया गया है। जन औषधि योजना के तहत भारत सरकार द्वारा बेहतर क्वालिटी वाली जेनरिक मेडिसिन बाजार रेट से कम कीमत पर दी जा रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा इसके लिए जन औषधि स्टोर बनाए जा रहे हैं, जिनके तहत जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री के अपना एक ऐसा विकास था कि हर दुकान, हर अस्पताल के पास एक जन औषधि केंद्र खुले, जो गरीब मरीजों को जो सस्ती दवाई मिल जाए। ये योजना मालूम इसलिए हुआ कि इन्होंने टेलीविजन पे प्रचार किया था कि आपको जो गरीब आदमी है, आँख का ऑपरेशन कराना है, जो आई ड्रॉप मिलता है 100 रुपये का, वो इनको 25 रुपये का, 30 रुपये का खरीद मिल जाता है और ऑपरेशन करा लेते हैं और ज़िंदगी भर दवाई डाल देते हैं। परिवर्तन यह है कि सस्ती दवाई आसानी से मिल जाती है, लोग पूरा पूरा खरीद खा लेते हैं, आराम से ठीक ठीक हो जाते हैं। ऐसे 2 दिन की दवा लेते थे, आराम नहीं मिलता था, पैसा नहीं जाता था, चले बीमार हो जाते थे लोग। ये जिला हॉस्पिटल का है केंद्र है, जहाँ पे औषधि केंद्र है, जहाँ प्रधानमंत्री के नाम से खुला है। यहाँ पे बाजार के दाम से बहुत कम दाम में दवाई मिलती है। और तो इससे क्या लाभ मिल रहा है आपको? इससे ये है कि भाई बाजार में जो ज़्यादा पैसे में मिलता था, यहाँ कम रेट में मिल जाता है गरीबों के सेवा के लिए। अब ये तो आज देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जन सेवा है, औषधि केंद्र है जी। हाँ। कैसे पता चला इसके बारे में आपको? बस अभी पहली बार दवा लेने आए तो बोले कि वहीं से लो। भाई हम तो गरीब है, प्राइवेट दवा करने से अच्छा था, यहाँ का हमको व्यवस्था थोड़ा कम में हिसाब से जगह
एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, जो डॉक्टर लिख देंगे तो कराएंगे, बाहर से तो हमको यहाँ व्यवस्था सही है, पैसा नहीं लग रहा है। तो ये दवा केंद्र पे आपको दवाएं सस्ती मिल रही है? बाजार से तो जरूर सस्ती मिलेगी ही। इस मेडिकल का जन औषधि प्रधानमंत्री योजना द्वारा निकाला गया है, किसी भी गरीब गरीब लोगों के लिए दवाई एकदम अच्छी दवाई मिल रही है यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी की दवाई मिल रही है ताकि गरीब से गरीब लोग इसका लाभ उठा सके। सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है, बहुत लाभ मिल रहा है, लोगों के पैसे बच रहे हैं। सर बाहर की दवाई मेडिकल की दवाई से अच्छी दवाई यहाँ पर मिल रही है। तो दिक्कत ये आती थी कि बाहर मेडिकल से दवाई लेने पर वो दवाई बहुत महंगी पड़ती थी, जिनकी स्थिति नहीं है वो नहीं खरीद पाते थे वो सारी दवाइयाँ। और भी श्रावस्ती में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। जिले में पांचवें चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि श्रावस्ती जनपद की दो विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा, जिसको लेकर पूरी सभा तैयार कर ली गई है और दोनों विधानसभा के 8,09,040 कुल मतदाता 27 फरवरी को मतदान करेंगे। जिले में कुल पुरुष मतदाता की संख्या 4,30,482 है, वहीं महिला मतदाता की कुल संख्या 3,78,882 है। इसके अलावा जिले में 51 आदर्श मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है, धारा 144 जनपद में लागू है। सभी से अपील है कि इसका पालन करते रहें और आदर्श आचार संहिता के नियमों के पालन करते हुए भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए जनपद पुलिस कृत संकल्प है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हम लोगों ने अब तक 97% के करीब शस्त्र जमा करा लिए हैं। जनपद में सभी हिस्ट्री सीटर्स के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है और उनकी चेकिंग हो गई है। गुंडा एक्ट के तहत 34 लोगों को इस बीच में जिला बदल किया गया है। व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था मतदान के मद्देनजर कर ली गई है और किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए पुलिस तैयार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया जाए। हमारे जनपद में 13 जोन्स हैं और 63 सेक्टर्स हैं। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है। ईवीएम मशीन्स के संबंध में हमारे जनपद में 907 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 907 और वीवीपैट 907 ये प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व में भी बैलेट यूनिट रखे हैं 170, कंट्रोल यूनिट भी 170 है और वीवीपैट 233 रखे गए हैं। अभी हमने पुलिस लाइन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ बैठक भी की है और उनको सेंसिटाइज भी किया है, उनकी ड्यूटी के बारे में उनको बताया है। जनपद में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आ चुकी है और सारे बूथ हमारे सीएपी। खबर अलीगढ़ से है, जहां पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर ने अपने पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय मांगा है और साथ ही क्लिनिक संबंधी कागजातों को सीएमओ ऑफिस में दिखाए जाने का नोटिस भी देते हुए क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई है। एक्चुअली मैं आज एक झोला छाप चिकित्सक की क्लिनिक थी, उसके विरुद्ध सीलबंद की कार्रवाई की गई है। हुआ यह था कि यहाँ पर एक शिकायत मिल रही थी कि झोला छाप डॉक्टर अतेंद्र कुमार यादव, पुत्र श्री चंद्रवान और ग्राम समैना, अपना जिरौली में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय का कार्य करता है। इसकी सूचना चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ के निर्देश पर हमने स्वास्थ्य टीम के साथ में वहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता लगा कि यह यहाँ पर अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय का कार्य करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भवानीगंज क्षेत्र के श्रीराम इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की पुनः 300 से अधिक सीट पर जीत हासिल कर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा बसपा परिवारवाद की पार्टी करती हैं,
10 मार्च को परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव मोबाइल स्विच ऑफ करके विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। 10 मार्च को स्विच ऑफ करेंगे, जैसे 5 साल नहीं दिखाई दिए, न एक दिन प्रेस वार्ता किए, न 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, कोरोना वैश्विक महामारी में एक दिन निकले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर से लेकर और सरकार दोनों गरीबों की सेवा किया, प्रवासी मजदूरों का सेवा किया, लेकिन एक दिन भी, केवल 2 महीना से सक्रिय हैं, न धरना पर न प्रदर्शन, एक मुद्दा उनको 5 साल में नहीं मिला और एक आरोप नहीं लगाया, इसलिए जनता जनार्दन ने नकार दिया है। 2017 में नकारा, 2014 में नकारा, 2019 में नकारा और 2022 में ऐसा नकारेगा कि बस 10 मार्च को स्विच ऑफ करके विदेश निकल जाएंगे। यूक्रेन में फंसी कानपुर की बेटी जेंसी सिंह यूक्रेन से लगातार परिजनों को फोन लगातार कर मदद की मांग कर रही है और वीडियो के जरिए घर वालों को अपनी बात बता रही है, साथ ही आप भीति बता रही है। बता दें कि बेटी को सुरक्षित अपने वतन वापस लाने के लिए परिवार वाले लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रयागराज सहित कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी ने रामपुर खास के लालगंज बाजार में रोड शो किया। प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि रामपुर खास विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोहना ने प्रियंका गांधी के रोड शो में शिरकत की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला जारी है। वहीं रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले रायबरेली के रहने वाली तीनों छात्राओं रचना पटेल, स्वाति वर्मा, निहारिका पटेल के परिजन अपने बच्चों के लिए काफी चिंतित हैं। रायबरेली के 3 छात्राओं के माता पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी यूक्रेन में पढ़ रही है और MBBS की 2nd ईयर में है। तीनों छात्राएं यूक्रेन के टर्नोफिल शहर में पढ़ाई कर रही हैं। फंसे हुए छात्रों के परिजनों ने प्राइम टीवी से बात भी की। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच कहीं ना कहीं उसका असर भारत में भी दिखने लगा है। यहाँ से पढ़ने वाले जो छात्र वहाँ पर MBBS, MBA या पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके परिजन जो हैं आज वो परेशान हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए छात्रों को भटकना पड़ रहा है और जिस तरह भीषण बमबारी वहाँ हो रही है, हालात बहुत भयावह हैं। परिजन न रात को सो पा रहे हैं, न ठीक से खा पा रहे हैं। थोड़ी सी संतुष्टि इतनी कि बच्चों से बात हो पा रही है। हमारे साथ बच्ची के परिजन हैं। आपकी 2 बेटियाँ यूक्रेन में MBBS कर रही हैं, उनका आपकी पहला ही साल है। आइए जानते हैं किस तरह की दिक्कतों से वो रूबरू हो रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजनारायण वर्मा। राजनारायण जी, आपकी 2 बेटियां यूक्रेन में हैं, तो बात हो पा रही है उनसे, या मतलब किस तरह की दिक्कतें हैं वहाँ पे? बेटी आपकी क्या बता रही है? अरे, वहाँ दिक्कत है कि डर रहे हैं बच्चे, किसी तरह से भारत को मंगाया जाए उनको। किस शहर में हैं बच्चे आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं? टर्मोफिल में। टर्मोफिल में हैं, तो बच्ची क्या बता रही है, वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ के हालात बड़े भयावह हैं, और न खाना मिल रहा है, न पैसा निकल रहा है, न पैसा पहुंच रहा है। आप लोग कैसे अपने आप को, मतलब इतनी दुख, मतलब परिस्थिति में कैसे तैयार कर रहे हैं? अरे, हम लोग बहुत परेशान हैं, और क्या तैयारी कर रहे हैं। बच्ची से बात हो रही है आपकी? हाँ, कभी कभी बात हो जाती है, बच्ची से बात हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी। हमारे साथ जो है वो बच्चे की माँ भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? सुनीता। बच्ची से बात हो रही है आपकी, तो बच्ची क्या बता रही है वहाँ के हालात? वहाँ के हालात बता रही है कि बहुत ख़राब हैं हालात। खाने पीने की या और क्या दिक्कतें बता रही है बच्ची वहाँ पे? खाने पीने की दिक्कत तो है ही है, मेस भी बंद है आज। हाँ, और बाहर जा भी नहीं सकती। तो बच्चे हॉस्टल में हैं या कोई बंकर है या ऐसा क्या है वहाँ पे? हॉस्टल में ही है अभी। हॉस्टल में ही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो हॉस्टल में है। हमारे साथ एक परिजन और हैं, इनकी भी एक बेटी है जिसका MBBS में वो दूसरा सेमेस्टर है।
आइए उनसे भी जानते हैं कि जो है क्या बीत रही है, इस स्थिति में वो किस तरह से अपने आप को तैयार कर पा रही हैं। क्या नाम है? पार्वती देवी। आपकी बेटी वहाँ पर है, ये पहला साल है? एक साल बीत गया। एक दूसरा साल है, तो क्या बता रही है बच्ची वहाँ की, क्या हालात है? सब जो है बच्चे वो हॉस्टल के अंदर ही कह रहे हैं कि अंदर ही रहो, बाहर कहीं ना निकलो। अब यही हम सरकार से ही कहते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को सही सलामत वहाँ से निकाला जाए। बच्ची से बात हो पा रही है आपकी? कभी कभी हो जाती है। आज बात हुई आपकी बच्ची से? सुबह हुई थी। सुबह क्या बच्ची ने क्या बताया? यही बता रही थी कि जैसे हम लोग कहते हैं परेशान होते तो कहती मम्मी रो नहीं, हम भी ठीक हैं यहाँ, लेकिन तुम परेशान होगी तो हम भी परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं ये माँ थी जो कहीं ना कहीं गला रुंधा हुआ है और सरकार से गुजारिश भी कर रही हैं कि जल्द ही कोई हल निकले इस समस्या का, ताकि जो है वो अपने बच्चों से मिल पाए। हमारे साथ पिताजी भी हैं उनके, आइए जानते हैं उनसे क्या बात हुई बच्ची की। सर आपसे बात हुई? हाँ बात हुई है, सुबह दोनों लोगों से थे तभी बात हुई थी। तो वहाँ के हालातों के बारे में बच्ची क्या बता रही? हालातों के बारे में बता रही, हालात तो बहुत ख़राब हैं, बस हम लोग वही हॉस्टल के अंदर हैं, बस पूरी तरह से ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कोई, सारी दिक्कतें हैं। पैसे डालते हैं तो पैसा वहाँ निकल नहीं रहा है, परेशान हैं बच्चियाँ। तो बस हम तो यही गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं कि मेरे बच्चियों को स्वदेश जल्दी लौटाएं। स्वदेश जल्दी लौटाएं, कहीं ना कहीं माँ बाप की आंखों में आंसू भी हैं और सरकार से लगातार ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि ये बच्चों को वापस लाने के मामले में जल्द कोई निर्णय लिया जाए। हालांकि पीएमओ से लेकर विदेश मंत्रालय तक लगातार संपर्क में है, पीएम मोदी ने भी कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है आगे के हालातों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं परिजन जो है अब वो उनकी आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को अपने बीच में पाना चाहते हैं। सरकार से इनकी यही गुजारिश है कि उनके बच्चे जल्दी घर आएं और वो अपने बच्चों से मिल सकें। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में छात्र अनीस खान की हुई हत्या के विरोध में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि अनीस नाम के छात्र को बंगाल पुलिस के कर्मियों ने मारा पीटा और उसके बाद उसे छत से फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस एक दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। देखिए आज एक प्रोटेस्ट हुआ निकाला हमने, हमारे वेस्ट बंगाल में एक भाई है अनिस खान, जिसको चार पुलिस लोग पुलिस के वर्दी में जाते हैं लोग उसके घर पे, उसको मारते पहले और फिर टेरिस से गिरा के मार देते हैं। और आज इतना दिन होने के बाद भी ममता सरकार इस पर तमाम चीज़ में कोई एक्शन नहीं ले रही, एक दो कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया मुसलमानों को, मगर जो असली एक्यूज है उनको अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। रही बात आज हमने इसलिए एक प्रोटेस्ट निकाला क्योंकि जो ममता सरकार अपने आप को सेकुलर कहती है, जो ममता सरकार अपने आप को मुसलमान के रहनुमा करते, वही सरकार आज खामोश है। और आज जब अनिस खान के लिए प्रोटेस्ट करते जब बच्चे उनके ऊपर लाठी बरसाते, तो आज हमने एक प्रोटेस्ट किया और एक मेमोरेंडम सबमिट किया जिसमें हमारा कुछ डिमांड है कि ममता सरकार जो अनिस खान हमारे भाई को मारा गया उसके जो भी एक्यूज उनके जो भी कातिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो IPC 302 के तहत और जो उसके परिवार को कंपेंसेशन दिया जाए। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने गोरखपुर के चुनावी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा योगी के शासनकाल में गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है और इस बार के हमारे मैनिफेस्टो में लव जिहाद मामले में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक का कारावास सजा के साथ आर्थिक दंड भी देने की योजना बनाई गई है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और सपा को गुंडो माफियाओं की सरकार बताया। भाजपा को कोई डर नहीं था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहां से वक्तव्य उठेगा स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य भी वहीं जाएगा। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग अखिलेश सिंह यादव कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी बौखलाहट है, पुलिस वालों से ओ पुलिस की भाषा बोल रहे हैं, पत्रकारों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, पत्रकारों को पिटवा तक दे रहे हैं, तो जिस तरह से हताशा के गर्त में अखिलेश सिंह यादव गिरे हैं, तो वो गर्त में कैसे गिरे हम दिखा रहे हैं।
बिजनौर में यातायात व्यवस्था चाक चौबंद ना होने की वजह से नजीबाबाद क्षेत्र में पड़ने वाले मोटा महादेव मंदिर से करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी वाहनों का आवागमन भी बंद नहीं कराया गया, साथ ही गन्ने के ओवरलोड ट्रक भी बदस्तूर सड़क पर दौड़ते नजर आए, जिसके चलते रोड पर कई घंटों से जाम में कांवड़िए और यात्री फंसे रहे। आपको बता दें कि शिवरात्रि को लेकर शिव भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं, साथ ही दूर जनपदों के रहने वाले कांवड़िए भी हरिद्वार से लौट रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने की वजह से NH-74 पर 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे कांवड़ियों और अन्य यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ जाम में फंसे हुए हैं कितनी देर हो गया? पूरी हालत हो रही है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा, तो ये आपकी गाड़ी है? तो ये जो है अपना परिवार है या परिवार है? कांवड़ लेके जा रहे हैं। कांवड़ लेके जा रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं। तो अभी इस वक्त कहाँ हैं आप लोग? मोटे महादेव के पास। मोटा महादेव के पास। अच्छा, कितना लंबा होगा लगभग जाम? 2-3 किलोमीटर। आगामी शिवरात्रि होली त्योहार को देखते हुए थाना कोतवाली मथुरा के अंतर्गत भरतपुर गेट चौकी पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के समस्त वरिष्ठ नागरिकों की सुझाव और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने के लिए सुझाव लिए गए और आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का मथुरा प्रशासन ने मथुरा की जनता से आग्रह किया। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर मथुरा अभिषेक तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोतवाली थाना अंतर्गत आज यहाँ भरतपुर गेट चौकी पे जो है वो महाशिवरात्रि, होलिका, होली और शबे बारात आज त्योहारों के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब भी सभी लोग शामिल थे और मथुरा जनपद की सम्मानित जनता यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों का आश्वासन और सभी लोगों का अपना कथन कि ये पूरा त्यौहार जो है शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जहां तक प्रशासन की और अन्य भी चीज़ों की सहयोग की बात है, पूरी तरह से जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था होगी, बिजली वगैरह की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था, ये सभी पूर्ण की जाएगी और कानून व्यवस्था जो भी होगी वो दुरुस्त रखी जाएगी। ये जो सौहार्दपूर्ण मीटिंग है, जब भी कोई त्यौहार आता है किसी भी धर्म का हो, वो मीटिंग इस तरह की होती है और इस मीटिंग से एक बहुत बड़ा संदेश जो है जनमानस के अंदर जाता है कि सब लोग एकजुट होकर के और त्यौहारों को मनाते हैं, चाहे वो किसी धर्म का त्यौहार हो, वो मनाया जाता है, इसकी योजना यहाँ बनती है और इसका संदेश भी एक जनपद में जाता है। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हमेशा से होता आया है कि चाहे पर्व हिंदुओं का हो या मुस्लिमों का, दोनों ही समाज के लोग, दोनों ही धर्मों के लोग बड़े मिलजुल कर मनाते हैं। इस बार भी पीस कमेटी में यही तय हुआ है कि होली का पर्व है, सिर्फ 14 का पर्व है, सवे रात का पर्व है, ये हम सब मिलकर मनाएंगे और जो संभव होगा निगम की दृष्टि से सफाई व्यवस्था, पानी, चूना छिड़काव, ये सारी चीज़ें निगम की तरफ से होने हैं वो होंगे और सभी से अनुरोध किया गया है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के लोग हों, चाहे हिंदू वर्ग के लोग हों, सभी लोग मिलजुल के कार्यक्रम को मनाएंगे और कहीं कोई हमारी मथुरा को जैसा अमन चैन बना हुआ है हमेशा से 20-20 साल से, 30-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ त्योहारों को मनाते हैं। आज जो पीस कमेटी हुई है वो पीस कमेटी, मैं 20-25 साल से पीस कमेटी का सदस्य रहा हूँ और मैंने हमेशा देखा है मथुरा में हिंदू मुस्लिम बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ त्यौहार मनाते आए हैं और ऐसा ही आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने बैठ के आश्वासन दिया है। रही बात सफाई की, रही बात पानी व्यवस्था की, जो कि हमेशा से होती रही है, नगर निगम हमेशा करता रहा है और कहीं अगर कोई कमी भी है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। आज अभी मेयर के प्रत्याशी के रूप, मेयर के प्रतिनिधि के रूप में महेश काजू भाई आश्वासन दे गए हैं और हिंदू मुस्लिम समाज के सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है, एक ही यही आग्रह है, यदि भाइयों कहीं कोई छोटी मोटी कमी हो जाती है, छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो उसको हमको और आपको दोनों को नज़रअंदाज करना है। देखिए, एक तो आज पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है शहर के मध्य में, लोगों ने अपने आचरण के लिए आश्वस्त भी किया है और प्रशासन से जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो भी हमें नोट करा दी हैं, तो हम लोग उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
जो मुख्य मंदिर है शिवरात्रि के दिन, वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस लगाई जाएंगी, महिला कंपोनेंट भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक की व्यवस्था के संबंध में बातें बताई गई हैं, जो डाइवर्जेंस हैं, जो वन वेज हैं, उनको सभी को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में मिर्जापुर से शादी करके आई विवाहिता 2 फरवरी से घर से लापता हो गई थी। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पीड़ित पिता बेटे की तलाश में मिर्जापुर से फिरोजाबाद पहुंचे। पीड़ित पिता का आरोप है कि दहेज के लालच में आकर ससुराल वालों ने मारपीट की और उसे दहेज के नाम पर प्रताड़ित भी किया गया था। इसी के साथ पीड़ित पिता ने मदद के लिए गुहार भी लगाई है और विवाहिता को खोज निकालने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। भटक रहा हूँ, हमारी लड़की कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका करी, हत्या कर दी। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं, मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिर आज बुलवाए, कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं। कोई लड़की का सुराग नहीं सर, आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। संभल में पंचायत चुनाव को लेकर पक्ष में वोट नहीं करने पर दलित परिवार पर दबंगों ने कहर ढाया। घर में घुसकर दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार ने गांव के ही दबंगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तमंचे से फायर करने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल दबंगों के कहर से दलित परिवार सहमा हुआ है। दबंगों पर दलित की बेटी से छेड़छाड़ करने की भी जानकारी सामने आई है। क्यों भाई? मतलब वो मार रहा था हमें। क्यों मार रहे थे? जमीन के चक्कर में। जमीन के चक्कर में वोट ना देने की वजह से? मेरे पापा ने वोट ना दिए थे। मेरे पापा ने वोट ना दिए थे प्रधानी में। अच्छा, तो आपके साथ में बदतमीजी करी है? हाँ, प्रधानी में वोट ना दिए थे मैंने सर। मेरी 2017-16 की लगी हुई है। मतलब मैंने राम कुमार से, वो राम प्रकाश से और वीरेश से 8-9 जनों के बयान मेरे पास है, जिसने दीपक से लेकर 2021 में और मेरी जमीन जबरदस्ती छीने छाड़ रहा है। मेरे बना हुआ मकान है, पहले से बना हुआ है, इसमें रहना है बीवी बच्चों के साथ। पूरे घर चलो थाने चलो। क्या चाहते हो? इंसाफ चाह रहे हैं साहब हम तो। तो कैसे चोट कैसा लगी है? चोट मेरे पहले लाठी डंडों से मारा हूँ और एक तमंचा की बट मारी है और ऊपर दूर से मेरे छर्रा लगा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।